नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब शोरूम से नहीं निकलेगी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश किए जारी। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देने पर होगी कार्रवाई। सुहागिनों का त्यौहार करवा चौथ, आज महिलाओं में दिख रहा गजब का उत्साह। चांद को देखकर खोला जाता है व्रत। भू सुधार उप समहर्ताओं को मिले निर्देश। मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, विभाग की छवि हो रही धूमिल। DCLR को मिले अंचल कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश। मौलाना अबुल कलाम शिक्षा पुरस्कार के लिए करें आवेदन, 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। पुरस्कार के रूप में 2.50 लाख रुपए मिलेंगे। ना बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे शुरू। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर पर विशेष ध्यान। पटना पूर्णिया के लिए दो प्रमुख अलाइनमेंट पर चर्चा। टिकट तो चिंता को कहे बाय बाय, रेलवे में मिलती है डुप्लीकेट टिकट की सुविधा। मामूली शुल्क पर पा सकते हैं नया टिकट। और इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर। कीवी खिलाड़ियों को 107 रन का मिला टारगेट। बारिश डाल सकती है मैच में खलल। अब खबरें विस्तार से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद ने 90 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 4 नवंबर। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने AICTE और GOI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा किया हो। ये पद मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और अन्य कई विषयों के लिए भरे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को भी देख सकते हैं। धनतेरस के मौके पर गाड़ियों के एडवांस बुकिंग तेजी से शुरू हो गई है। इस बार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी शोरूम से नहीं निकाली जा सकेगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देने वाले डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में MBI और DTU को निरीक्षण के लिए टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई भी संभव है। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सड़क पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूली बसों की फिटनेस, PUC और परमिट की जांच की जाएगी। भूमि सुधार उप समहर्ताओं को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार उप समहर्ताओं को अपने निर्णयों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मंत्री ने शास्त्री नगर में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान बताया कि तर्क संगत और विधिक आधार पर आधारित निर्णय ही राजस्व एवं सिविल न्यायालयों में टिकेंगे। बिना उचित कारण के और लंबे समय तक वादों को लटकाए रखने की प्रवृत्ति से विभाग की छवि को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे अधिकारियों की क्षमता पर सवाल उठ रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि जटिल मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों या विधिक विशेषज्ञों से सलाह ली जाए। विभाग को एक विशेषज्ञ पैनल बनाना चाहिए ताकि निर्णय जल्दी और सही ढंग से लिए जा सके। इसके साथ ही सभी DCLR को अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कामों पर निगरानी रखी जा सके। बिहार में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2024 आवेदन की घोषणा की गई है। इसके जरिए प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 2.50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 30 अक्टूबर। आवेदन निदेशक जनशिक्षा, सह अपर सचिव बिहार राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कमरा संख्या 88 भूतल नया सचिवालय विकास भवन पटना के पते पर निबंधित या स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ दिए जा सकेंगे या हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। आवेदन करने के दौरान जरूरी दस्तावेजों में व्यक्ति का नाम, वर्तमान और स्थायी पता, मोबाइल नंबर और एक रंगीन फोटो, शैक्षणिक योग्यता, कार्य का अनुभव और साक्ष्य के साथ शिक्षा क्षेत्र में बिहार राज्य में किए गए उल्लेखनीय काम, नामित करने वाले प्रथम व्यक्ति का मंतव्य, अनुशंसा करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय व्यक्ति का हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ जरूर दें। ध्यान रखिए, किसी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए इस पुरस्कार के लिए आवेदन विचारणीय नहीं है।
बिहारी पहचान में आज बात होगी लता मंगेशकर के नाम से मशहूर भोजपुरी सिंगर प्रियंका सिंह की। इनका जन्म 9 मई 1989 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महुआ चैनल पर प्रसारित रियलिटी शो सूर संग्राम सीजन 1 से की और उन्होंने भोजपुरी, हिंदी और असमिया में अब तक 2000 से ज्यादा अधिक गाने गाए हैं। प्रियंका ने कई बड़े नामों के साथ काम किया है, जैसे पवन सिंह, दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव। उनके छठ और नवरात्र गीत भी खूब पसंद किए जाते हैं। प्रियंका के गाने सिनूर रंग चढ़ल ऐसन, तनी देखल करी हमरा के कम जी जैसे गाने खूब चर्चित हुए। बिहार सरकार ने दीपावली के अवसर पर पटाखों से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बार 4 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि अन्य जिलों में रात 8 से 10 बजे तक केवल इको फ्रेंडली पटाखों का उपयोग करने की अनुमति है। इस संबंध में उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और SSP राजीव मिश्रा ने अधिकारी को आदेश दिया कि वे धावा दल को सक्रिय करें और अवैध पटाखों की बिक्री पर भी नजर रखें। बेगूसराय के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिला नियोजालय द्वारा 21 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि यह मेला 21 अक्टूबर को ITI मैदान, वीर कुंवर सिंह चौक, पनहंस में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस मेला में 18 विभिन्न कंपनियों के नियोजक जो हैं शामिल होंगे। यदि आप न्यूनतम 8वीं पास हैं या स्नातक, ITI या अन्य तकनीकी योग्यताधारी हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। इंटरव्यू के माध्यम से आपको मौके पर ही रोजगार मिलेगा। सुहागिनों का सबसे बड़ा त्यौहार करवा चौथ आज मनाया जा रहा है। करवा चौथ की पूजा विधि और समय क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ अलग अलग होते हैं। अगर राजधानी पटना की हम बात करें तो पूजा का मुहूर्त शाम 5:58 से 7:30 तक है। व्रत के समय सुबह 5:51 से शाम 7:29 तक है। वही चंद्र उदय का समय देर शाम 7:29 है। इस दिन महिलाएं दिन भर उपवास रहकर चांद का इंतजार करती हैं। चांद को देखने के बाद अपने पति को देखकर व्रत खोलती हैं। ये पर्व पति की लंबी उम्र, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। सीतामढ़ी माता जानकी की जन्मभूमि में पर्यटन विभाग ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बजट होटल जानकी विहार के निर्माण का निर्णय लिया है। इस परियोजना का प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है और इसे बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम आगामी 24 महीनों में पूरा करेगा। होटल में 54 कमरे, 4 स्वीट रूम, स्विमिंग पूल और आधुनिक सुविधाएं जैसे कि केंद्रित एयर कंडीशनिंग और CCTV कैमरे होंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसे पर्यटकीय सुविधाओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अगर आपकी रेल टिकट फट जाती है या खो जाती है तो चिंता नहीं करें। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार आप डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे के टिकट बुकिंग काउंटर पर जाना होगा, जहां आपको फटे हुए टिकट को दिखाते हुए मामूली शुल्क चुकाकर नया टिकट मिल जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की है तो इसे अपनी IRCTC ID से फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट कन्फर्म होने का संदेश आपके मोबाइल पर आता है, जिसे आप TT को दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। पटना, पूर्णिया और बक्सर भागलपुर के लिए विशेष रूप से ये सर्वे जो है किया जा रहा है। पटना, पूर्णिया के लिए 2 प्रमुख अलाइनमेंट पर चर्चा चल रही है। पहला अलाइनमेंट दानापुर के आगे गंगा नदी पर शेरपुर दिघवारा पुल से शुरू होगा, जबकि दूसरा मोकामा में ओंटा सिमरिया पुल के रास्ते आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है। बक्सर भागलपुर के लिए भी 2 नए अलाइनमेंट पर विचार चल रहा है, एक पटना के दक्षिणी हिस्से से और दूसरा गंगा नदी के उत्तरी हिस्से से। सर्वे के बाद इन अलाइनमेंट पर विमर्श किया जाएगा और फिर DPR के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। जीवन में बढ़ते तनाव, कामकाज के दबाव और अन्य
कारण से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, अधिक चिंता, निराशा, नकारात्मक भावना या एंजाइटी, ये सब जो है डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही कारणों से परेशान हैं, तनाव नहीं ले, टोल फ्री नंबर 1-4-4-1-6 डायल करें, इस पर आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। ये जानकारी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। पटना में 90% से अधिक स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2000 से ज्यादा है, फिर भी स्कूलों ने बस सेवा की व्यवस्था नहीं किया है। इसके चलते छात्रों का परिवहन बाहरी ठेकेदारों पर निर्भर है। ऐसे में अगर किसी अनहोनी की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्कूल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं परिवहन सेवा देते नहीं हैं। बता दें कि पटना जिले में 500 से ज़्यादा स्कूल हैं, जिनमें से केवल कुछ ही ऐसे हैं जहां नामांकन 2000 से कम है। परिवहन विभाग ने अब ये तय किया है कि ऐसे स्कूलों को बस सेवा मुहैया कराई जाएगी, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बिहार में अब ठंड की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार आज से तापमान में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। दिन में हल्की धूप और रात में ठंडक का एहसास होगा। 20 अक्टूबर के बाद बिहार में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल राज्य का न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए एक बड़ी खेप स्प्रिट को जब्त किया है। मनियारी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक ईंट लदे ट्रैक्टर से लगभग 1190 लीटर स्प्रिट बरामद की गई। इस कार्रवाई में ट्रैक्टर चालक और एक स्प्रिट कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। मध्य निषेध विभाग के सहायक उप आयुक्त राजशेखर दुबे के अनुसार ये खेप बेगूसराय से लोड होकर समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। विभाग अब अन्य कारोबारियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहा है। राजधानी पटना में वन विभाग की सूचना पर रेल पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 से रेल पुलिस ने लगभग 1700 पक्षियों को बरामद किया। इसके साथ तस्कर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जो पटना सिटी के खाचे कला का निवासी बताया जा रहा है। रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने कहा कि तस्कर से पूछताछ जारी है और बाकी तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के CM नीतीश कुमार बीते शनिवार को पटना में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने BJP के साथ अपनी स्थिरता को लेकर बात की। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि 2 बार गलती हो गई है, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उनका यह बयान RJD पर आरोप लगाते हुए आया, जहां उन्होंने कहा कि वे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। CM ने यह भी उल्लेख किया कि अब वे NDA के साथ ही रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि राजद ने इस निर्णय पर असंतोष व्यक्त किया है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि ये फैसला जो है एक तरफा है, हमारे नेताओं ने यहाँ बैठक की थी और हमारी स्थिति विभिन्न जिलों में मजबूत है। हमें अपनी सहयोगियों से अनुरोध है कि वे हमारी स्थिति को ध्यान में रखें। मनोज झा ने आगे कहा कि पिछली बार हम 7 सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार हमें उचित सीटों का वितरण नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने राजनीति में कदम रखते हुए इमामगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए NDA की प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। दीपा मांझी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की पत्नी है, 13 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर उपचुनाव की तिथि घोषित की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 13 नवम्बर होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इन सीटों पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। जनसुराज ने इमामगंज सीट से बाल चिकित्सक और समाज सेवी जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बेलागंज सीट से गणित के प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को मैदान में उतारा है। बता दें, रामगढ़ और तराड़ी सीटों पर भी 13 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती जो है 23 नवंबर को की जाएगी। जनसुराज ने तराड़ी से पूर्व सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल कृष्णा सिंह को भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे बिहार में ऐसे शिक्षित और विजनरी लोगों को आगे लाएंगे, जो राज्य की राजनीति में बदलाव ला सके।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 462 रन बनाए, जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य मिला। सरफराज खान ने 150 रन बनाकर करियर का पहला टेस्ट शतक पूरा किया, जबकि ऋषभ पंत एक रन से शतक से चूक गए। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 106 रनों की बढ़त हासिल की, लेकिन बारिश के कारण न्यूजीलैंड की पारी में केवल 4 गेंदें ही फेंकी जा सकी। खेल को रोक दिया गया और स्टंप की घोषणा कर दी गई। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं, वहीं भारत को मैच जीतना है तो 10 विकेट लेने होंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। आज के दिन सन 1774 में कोलकाता भारत की राजधानी बनी थी। आज के दिन सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। आज के दिन सन 1991 में भारत के उत्तर काशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन सन 2004 में बांग्लादेश में 3 पुरुष सेना अधिकारियों को मौत की सजा मिली थी। आज के दिन सन 2008 में आरबीआई ने रेपो दर में 1% की कटौती की थी। और आज के दिन 1957 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गायक कुमार सानू का जन्म हुआ था। आरबीआई के नाम से गलत तरीके से पोस्ट की गई एक पोस्ट में दावा किया गया है कि ट्रांजैक्शन से पहले एटीएम पर 2 बार कैंसिल बटन दबाने से पिन चोरी होने से बचा जा सकता है। बता दें, ये पोस्ट आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस पोस्ट को फर्जी बताया है। ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखें, निजी तौर पर फंड ट्रांसफर करें, एटीएम कार्ड पर पिन को छुपाएं। हाल ही में GOM ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन्स द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम खासकर उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक खर्च कर रहे हैं। साथ ही GOM ने 20 लीटर की पानी की बोतल, साइकिल और प्रैक्टिस नोटबुक पर GST की दर को घटाकर 5% करने का सुझाव दिया है। हालांकि महंगी कलाई घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। 15,000 रुपए से अधिक कीमत वाले जूतों और 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर GST को 18% से बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों पर अंतिम निर्णय GST काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। पटना में आयोजित चांसलर ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का समापन समारोह हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। महिला वर्ग में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 45-29 से हराकर ट्रॉफी जीती, जबकि पुरुष वर्ग में मगध विश्वविद्यालय ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 44-30 से मात दी। विजेता टीमों को 1,00,000 रुपए और उप विजेता टीमों को 50,000 रुपए का पुरस्कार मिला। राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन से बिहार की खेल संस्कृति को नई पहचान मिली है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताते हैं जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका सही उत्तर होगा असम। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 4th कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 25 मार्च। इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है नवादा, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है दरभंगा। इसका सही उत्तर होगा रोहतास।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, प्रदुमन कुमार, अंशु कुमारी, विनय कुमार, नूनू गोलू कुमार, रामबाबू दास, रोहित कुमार, गोनर शर्मा, अनवर करीम खान, मोहम्मद कमालुद्दीन, रवि कुमार राम, संजीव कुमार, शिव दानी झा, दिनेश रजक, शंभु साह, राजीव कुमार, सोनू रहमान, राम सागर पासवान, गुप्तेश्वर नाथ। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको गुलाबी ठंड की एहसास हो रही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।